जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ के पटेल छात्रावास में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जलसहिया संघ के महिलाओं की मौजूदगी है और यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद और पूर्व झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, जिला परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो और सहित कई आजसू पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें, इस भीड़ को देखकर सिर्फ एक ही बात जहन में आता है कि जब शहर में आग लगती है तो मकानात जल जाते हैं और जब पेट में आग लगती है तो ईमानात जल जाते हैं। और वही ईमान जलने का नतीजा है कि अपने लंबे समय से मानदेय के भुगतान नहीं होने और अपने कई मांगों को लेकर आज जलसहियों का आक्रोश आज यहाँ पर आया है। और गिरिडीह के सांसद और पूर्व रामगढ़ के विधायक से आग्रह और अपील और कहें तो फरियाद लगाने आया है कि आप हमारी फरियाद को सुने। और जिस प्रकार से आपने हमारे उस दरमियान गिरिडीह के सांसद जो आज हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो उस दरमियान पेयजल स्वच्छता मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही इनके 1,000 रुपये के मानदेय को जारी किया था, उनके आंदोलन में किस प्रकार से ये सहयोग करेंगे बताएं सर। देखिए, जलसहिया संघ, जलसहिया दीदी लोग जो हमारे जब पेयजल स्वच्छता मंत्री थे उस समय हम लोग गाँव के सुरक्षा के लिए, गाँव के महिलाएँ स्वस्थ रहे और स्वच्छ भारत मिशन, जो खुले से शौच से मुक्त, जो सबसे बड़ी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था, जो 2019 तक पूरे भारत को खुले से शौच से मुक्त करना, उसमें यदि आज उपलब्धि हम लोग हासिल किए हैं तो सबसे बड़ा योगदान जलसहिया दीदियों का है। क्योंकि ये लोग अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने हाथों से लोग शौचालय बनाया और आज तक उनको जो मानदेय मिला था, प्रोत्साहन राशि मिला था, वो अभी पूरा नहीं मिला। उसके बाद मैं बधाई देता हूँ रामगढ़ के जलसहिया दीदियों को। उस समय रामगढ़ को सबसे पहला खुले से शौच से मुक्त करा, उसके बाद दूसरे जिलों में भी जाकर, पलामू, गढ़वा, वहाँ भी जाकर यहाँ की महिलाओं ने योगदान दिया, तो पूरे सभी जगहों पर तब जाके खुले से शौच से मुक्त। बहुत सारी इनकी लिस्टें हैं, TADA है, डेस्क रोड पूर्ति की बात कर रहे हैं, काम के बदले उचित मानदेय, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि 28 माह का इनका बकाया है मानदेय, वो भी न्यूनतम मजदूरी दर जो सरकार की है उससे भी कम, करीबन हमको लगता है कि 1,000 रुपये इनका सिर्फ महीना है। और क्या दुर्दशा दिखा रही है सरकार इस पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने उस समय शुरुआत किया था, उससे पहले जब पेयजल स्वच्छता बंद थी तो उससे पहले एक भी पैसा ही लोगों को नहीं मिलता था। हमने पहला शुरुआत किया था कि 1,000 रुपया मानदेय प्रारंभ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ही लोगों को सुविधा बढ़ाएंगे, जैसे खुले से शौच से मुक्त होगा तो शौचालय में हम लोग इन लोगों को प्रोत्साहन राशि देंगे, इस तरह से कई चीज़ें था। अभी हर घर में नल का जल देना है तो उसमें भी कनेक्शन देना है, लेकिन जो भी उसमें एक रेट निर्धारित कम से कम किया गया था, एक मजदूरी से भी कम है, लेकिन वह भी अभी समय से नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जब से सरकार गिरी, नई सरकार बनी, लेकिन अभी तक इन लोगों का मानदेय बंद हो गया, लेकिन अभी भी काम लिया जा रहा है लोगों से, तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि लोगों का अविलंब मानदेय बढ़ाया भी जाए और जो बकाया है उसका भी भुगतान कराया जाए। और हम चिट्ठी भी लिखेंगे, विभाग को भी लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री। सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि आप हमें साथ दें, हम आंदोलन करेंगे, क्या कुछ आपका आंदोलन का रूपरेखा होगा सर? देखिए, अभी हम लोग आए हैं तो इन लोगों के बीच में इन लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है और मैंने बड़ी बहुत ही ध्यान से सुना भी, और जिनविन मांग है और इनका मांग, हम तो कहे कि मैं सरकार को चिट्ठी लिखूंगा, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, यदि सही जवाब वो नहीं देते हैं तो हम लोग आंदोलन का भी रूपरेखा तय। सर, इस सरकार में कभी मंत्री का विवादित बयान आना, कभी जो है खुद से एक विधानसभा में एक विशेष समुदाय को जो है रूम अलॉट कर देना, सड़क पर बड़ी आबादी का उतरना, विपक्षी पार्टियों का उतरना, आप लोगों के द्वारा खुद भी आंदोलन अपनी मांगों को लेकर किया जाना, लाठी बरसाया जाना, वैसे में कितना आप इस आंदोलन को सफल करवा पाएंगे? देखिए, जब जन आंदोलन होता है और जनता की समस्याओं को लेकर जब आवाज़ उठती है और सत्ता में रहने वाले लोग उस समय भूल जाते हैं कि सत्ता के कुर्सी में जब बैठते हैं तो जनता की समस्या को लोग भूल जाते हैं और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में, इससे साफ यही पता चलता है कि सरकार बनने के बाद, जो कुर्सी संभालने के बाद, वो निजी समस्या और निजी स्वार्थ में अपना काम कर रहे हैं, जनता को भूल गए हैं। और चुनाव के समय जो भी वादा किया गया था, तो हम सामने जो घोषणा किया गया सरकार के द्वारा, एक भी अभी तक अपना वादा को पूरा नहीं किया। आप समझ सकते हैं कितना जनता पर आक्रोश है और आने वाले समय में यदि जनता आक्रोशित होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, यह वो खुद समझ सकते हैं। धन्यवाद सर।
हम अभी बात कर रहे थे गिरिडीह के सांसद चंद प्रकाश चौधरी से, जिन्होंने सरकार को भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है, अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो जैसा कि ये जनहित के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं, ये आगे भी इनके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर जिला परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मदेव जी महतो हैं, ब्रह्मदेव महतो जी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रह्मदेव जी, आप बताएं कि किस प्रकार से आप इनके साथ, आपने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हर पल तैयार रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? अभी देखिए, हम लोग को सांसद जी जो बोले, खास करके हम लोग देख रहे हैं कि जो चिट्ठी लिखेंगे उनसे भी हम लोग को जो जलसहिया लोग का जो समस्या है अगर हल नहीं होता है तो आसू पार्टी हम लोग, हमारे रामगढ़ के विकास प्रसाद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जब भी आप लोग देखेंगे, जो भी आंदोलन हुआ है, आज रामगढ़ जिला का है उदाहरण लीजिए, आंदोलन के बल पर ही जिला बना, तो जलसहिया लोग का जो आंदोलन है हम लोग पूरा आसू पार्टी इनको साथ देने काम करेंगे, रोड से लेकर हम लोग सदन तक यह आंदोलन करने काम करेंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और आप राज्य स्तर पे उपाध्यक्ष भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके जिले को और आपके विधानसभा को एक बड़ी उपलब्धि मिली, जबकि आप विधायक जी का कार्यकाल भी था, उस दरमियान खुले शौच से मुक्त हुआ, और वैसे में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनके साथ इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये तो हम बैठक में भी रखे थे ये बात को, कि जिस तरह रजरप्पा में जो सफाई कर्मी लोग हैं या फिर यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी को जो वहाँ DMFT फंड से जो दिया जाता है, उससे ही हमारे पूरे जलसहिया को, रामगढ़ जिला में 325 जलसहिया है, DMFT का पैसा भी इनको दिया जाए तो हमारा जिला में पूरे को यहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, एक महीना में 16,25,000 रुपया होगा। तो उसमें भी हम यह बात को रखने का काम किया, आने वाले दिन में भी जिला का जब बैठक होगा या फिर हम लोग उपायुक्त महोदय से बात को लेकर हम भी चिट्ठी लिख के उनके मांग को ये हम रखने का काम करेंगे। बड़ा लंबा इन लोगों का मानदेय है, बहुत दिक्कतों में ये लोग जी रहे हैं, और वैसे में आपका उग्र तेवर के रूप में लोग देखते हैं आपको, एक उग्र तेवर में आप सरकार को क्या चेतावनी देंगे ये थोड़ा बोलो। अभी देखे कि अभी सब कोविड का 19 का बहाना बना के चल रहा था, हम लोग भी देखे कि हम लोग बाधा नहीं करना चाहेंगे, सरकार का जो गाइडलाइन था उन्हीं के तहत हम लोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोविड-19 समाप्त होगा, आसू पार्टी आंदोलन के बल पर है पूरे झारखंड में है, इस चलते हम लोग आंदोलन के बल पर ही लोग को जो समस्या है उनको समाधान करने का काम करेंगे। बिल्कुल, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये पुरजोर आंदोलन करेंगे, और इन तमाम महिलाओं के साथ आपको बता दें कि 300 से ज़्यादा की महिलाओं की आबादी है, जो आप देख सकते हैं कि बड़ी विकट परिस्थिति आप देखें यहाँ पर, कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में लेकर, अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर, आप दिखाएं यहाँ पर कैसे छोटे बच्चे को यहाँ पर लेकर एक महिला आई है आंदोलन के रूपरेखा को तैयार करने के लिए, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे। बिल्कुल, क्या कुछ करेंगे आप यहाँ पर आई हैं, कैसे क्या कुछ करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, जब से छोटा बच्चा है तब से हम लोग काम कर रहे हैं घर से निकल कर, और आगे भी करना चाहते हैं अगर हम लोग को कुछ काम दिया जाए तो। नहीं, कितने दिन का क्या दिक्कत है आपको? बहुत सारा दिक्कत है हम लोग का, हम लोग को जब चार माह का वेतन मिला है और 75 रुपया करके मिला है, और 75 बाकी है अभी, उसके बाद में अभी तक कोई कुछ नहीं मिला है 28 महीना से। सीमा देवी, सीमा जी, ये सीमा जी थी जिन्होंने कहा कि काफ़ी दिक्कतों के बीच इनका जीवन चल रहा है। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, बताएं क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, आज आपके गिरिडीह के सांसद भी आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ उनके सामने अपनी मांगों को रखा और क्या कुछ आंदोलन करेंगी आप जी? हमारे पास इतनी समस्याएं हैं सर कि हमें बोलने के लिए भी टाइम की कमी पड़ जाती है। सबसे पहला कमी तो है कि आज 28 माह से हमारा बकाया मानदेय पड़ा हुआ है, वो मिल नहीं पा रही है, और इधर है कि हमारी प्रोत्साहन राशि जो 100 शौचालय प्रति 150 रुपया देने की वादा की गई थी, घोषणा की गई थी, उसमें से अभी 75 रुपया मिली हुई है, और 75 रुपया अभी से 5-6 साल से बाकी पड़ा हुआ है सरकार के खाते में, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। और इतना ही नहीं कि हमें काम पे काम सौंपा जाता है गांव में, घर घर जाके सर्वे करो सैया दीदी के साथ। कोरोना काल में देखा गया कि सभी लोग घर में छुपे बैठे थे, अपना जान का सुरक्षा के लिए बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों को विभाग के द्वारा ये काम दिया गया कि कोरोना काल में भी आप लोग घर घर जाके सर्वे कीजिए, काम कीजिए। उसमें भी जलसहिया बहने सभी अपने निस्वार्थ भाव से अपना काम को बखूबी निभाने का काम की है, उसमें भी सहिया दीदी लोग को प्रोत्साहन के रूप में या जो भी रूप में उन लोगों को पैसा
अच्छी तरह से मिला, लेकिन हम लोगों को कोई पूछा तक नहीं। और उसके बाद इधर जो जल जीवन मिशन है उसमें से स्कूल में जा जाकर बच्चों को माहवारी सुरक्षा के बारे में भी बताना है और बताने का काम भी कर रहे हैं। घर घर नल जल कनेक्शन कर रहे हैं, उनके एवज में भी हम लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा है। बस यही डिमांड है सर, और ये डिमांड के साथ हम लोगों बहुत आशा विश्वास के साथ अपने यहाँ अपने चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सांसद को बुलाए हैं और उनको अपनी समस्या से अवगत कराए हैं। इस मांग को लेकर तो आप कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कोई नहीं सुनता, क्या करेंगे आगे? उनके लिए हम लोग इतने आक्रोश हैं कि रोड को जाम करने के लिए और विभाग क्या सरकारी मंत्री जी का आवास में भी तालाबंदी घेराबंदी करने के लिए सोचे हैं, और ये आक्रोश हम लोगों का दिल में उत्पन्न हो रहा है आज से ही, अभी से ही। आप सुन रहे हैं ना किस प्रकार से आक्रोशित हैं ये महिलाएं, जिन्होंने जल नल योजना के तहत हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाया, आपके सपने को साकार करते हुए किस प्रकार से खुले शौच से मुक्त कराया इस रामगढ़ विधानसभा को, और अवार्ड भी दिलाया। कई प्रकार की महत्वपूर्ण जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और शुद्ध पानी इनके द्वारा ही दिया जा रहा है, इनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिनके कारण आप शुद्ध पानी ग्रहण कर पाते हैं। खुले में शौच आज नहीं जा रहे हैं तो उनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बावजूद भी इनको सिर्फ 1,000 रुपये मानदेय मिलता था, जो आज करीबन 28 महीने से नहीं मिल रहा है। अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर आपसे फरियाद लगाने के लिए आई है, आप इनके फरियाद को सुने, नहीं तो जिन हाथों ने आपको आज सत्य पर काबिज किया है अगर इनका फिरा तो ये आपको सत्य से उखाड़ फेंकेंगी। न्यूजलेंस चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है 1। रामगढ़ में पहली बार AC मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल, सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9835128509, 8789654310।